पार्टिकल इज एक्सिलरेटिंग, इट इज ईदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है तो इसका मतलब उसके एक्सेलरेशन का एक ही रीज़न है, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड कम हो रही है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे. अब वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का, या फिर डायरेक्शन चेंज होती है, या फिर दोनों चेंज होते हैं. तो या मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आएगा. जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीड अप हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन है. सेकेंड पॉइंट, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से भी है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी है. एग्जाम्पल देखते हैं. तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डेफिनेटली है. तो हम ये नहीं कह सकते कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेशन नहीं कर रही. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, या बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि जो उसका मोशन है उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. थैंक यू.